नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान चैनल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और फिर से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि फिंगरप्रिंट सेंसर दो प्रकार के आजकल जो है मार्केट में आ चुके हैं। एक तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि वीवो, ओप्पो, वन प्लस और सैमसंग, अभी जो है एप्पल भी इसे लेके आने की कोशिश कर रहा है। इंडिया के अंदर भी जो है काफी सारे ऐसे फोन आ चुके हैं जिनके अंदर जो है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिलता है। और साथ ही जो है फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, दोनों के अंदर क्या फर्क है या फिर कौन सा फास्ट है और इसका जो सेटअप है वो कौन से का यहाँ पर सबसे पहले हो जाता है, तो दोनों को यहाँ पर हम थोड़ा सा कंपेरिजन करके देखते हैं कि कौन सा जो है यहाँ पर फास्ट चलता है और कौन सा जो है सही है, कौन सा जो है नई टेक्नोलॉजी के साथ जो है अच्छा रहेगा। दोनों के अंदर थोड़ा सा फर्क है, तो आशा करता हूँ आपको काफी अच्छी जानकारी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। तो आगे की वीडियो को यहाँ पर देखते रहे, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर वर्सेज फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर। जैसा कि मैं आपको काफी बार ये मेरा फोन दिखाता हूँ, ये सैमसंग गैलेक्सी नोट 4, इसके अंदर जो है फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर लगा हुआ है, मतलब होम बटन के अंदर। इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे अंगूठा करते हैं या फिर उंगली करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ स्लाइड, तो ये हो जाता है अनलॉक। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये दिखा भी रहा है, जैसा कि मैं कुछ गलत उंगली यहाँ पर लगाता हूँ तो ये रोंग बताता है, अगर आप देख पा रहे हैं। तो इसी प्रकार से अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये आप देख पा रहे हो, इस प्रकार से जो है ये हो जाता है अंडर डिस्प्ले, मतलब डिस्प्ले के बीच में कहीं अंगूठा रख देते हैं हम या फिर उंगली लगाते हैं तो वो वहाँ से अनलॉक हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि दोनों के दोनों जो है ठीक हैं, क्योंकि पहले वाला है काफ़ी फास्ट है। मेरे हिसाब से जो फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर ये काफ़ी बढ़िया है क्योंकि फटाफट जो है अनलॉक हो जाता है। लेकिन अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो उसमें जो है या तो हमें काफ़ी दिन सीखने में लग जाते हैं, और सबसे पहले सेटअप की बात करते हैं तो जो फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, इसका सेटअप बहुत ही आसान और फास्ट है। बस दो बार यहाँ पर पासवर्ड लगाने पड़ते हैं और एक बार फिंगर यहाँ पर फटाफट से टच कर दीजिए और हो जाता है, काफ़ी फास्ट है। आपके पास नॉर्मल MI के फ़ोन होंगे, वीवो के होंगे, ओप्पो के होंगे, वन प्लस होगा और भी कुछ अलग फोन यहाँ निकल के आए हुए हैं जिनमें पीछे की तरफ एक राउंड के अंदर दे दिया जाता है फिंगरप्रिंट सेंसर, उसके ऊपर काफ़ी बार आप टच करते हैं तो वो काफ़ी मतलब बढ़िया होता है। और साथ ही अगर सेल्फी लेते हैं तो उस फिंगरप्रिंट सेंसर के ऊपर टच करने पर जो है सेल्फी भी फटाफट यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो इसके हिसाब से मुझे काफ़ी फायदेमंद लगता है फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर। लेकिन बात कर लेते हैं अब अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की। तो इसके अंदर होता क्या है, जैसे कि सेंटर में कहीं पर भी एक जगह होती है, डिस्प्ले के अंदर पूरा का पूरा जो डिस्प्ले है वो तो होता नहीं है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, कहीं ना कहीं एक जगह होती है जहाँ पर आपको मार्क भी दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा इधर उधर अगर उंगली या फिर अंगूठा रख देते हैं तो वहाँ से जो है ज़्यादा जल्दी यहाँ पर हम लॉक नहीं कर पाते अपनी डिवाइस को। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि जो फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है वो फिजिकल सेंसर से अच्छा इसलिए है क्योंकि एक्स्ट्रा जो है यहाँ पर किसी की के ऊपर प्रेस हमें नहीं करना पड़ता, बस डिस्प्ले के अंदर ही थोड़ा सा यहाँ पर डिज़ाइन जो अच्छा हो जाता है। वैसे कहें कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी है ये, लेकिन दोनों के अंदर यही फर्क है। और दूसरी बात करते हैं इनके सेटअप की, तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जो है उसके सेटअप के अंदर लगभग आपको 35 से 50 सेकंड लग जाते हैं सेटअप करने में, वहीं पर जो दूसरा है फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर उसमें आपको सिर्फ 5 से 10 सेकंड लगते हैं। तो दोनों के अंदर इतना सारा यहाँ पर फर्क क्यों है, वो इसलिए क्योंकि अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो ठीक से मतलब एक जगह पर जहाँ पर अंगूठा रखते हैं हम वहाँ पर कोई मतलब डिस्प्ले के ऊपर मार्किंग नहीं होती है, सिर्फ हमें मतलब हाईलाइट किया जाता है डिस्प्ले से कि ये एरिया है फिंगरप्रिंट लगाने का, और वहाँ पर अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है या फिर डिस्प्ले के ऊपर हल्की फुल्की डस्ट लगी हुई है या फिर कुछ मैल है या फिर कुछ मतलब हाथ का पसीना कुछ लग जाता है डिस्प्ले पर, तो काफ़ी बार हमें परेशानी होती है, मतलब उस डिस्प्ले को साफ करना पड़ता है। जिस प्रकार से काम करती है बायोमेट्रिक के, उसी प्रकार का ये वाला सिस्टम भी हो जाता है डिस्प्ले के साथ, क्योंकि उसके ऊपर भी लगा हुआ होता है एक नॉर्मल ग्लास से, उसके ऊपर अगर कुछ कचरा जाता है तो उसी प्रकार से वो भी काम करता है। तो यही वाली जो है समस्या अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ है, बाकी दोनों यहाँ पर बेस्ट हैं, अपनी अपनी जगह दोनों यहाँ पर बेस्ट है। तो इतनी सारी जानकारी जो है इस वीडियो में मुझे आपको देनी थी, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को कर ले सब्सक्राइब और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, काफ़ी अच्छा लगेगा, और शेयर करते मेरे फ्रेंड्स। कोई सवाल है कि सुझाव है तो जरूर पूछ लेना, कमेंट करके तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।